बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम में NFTSAI और मेटावर्सेस के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बहुपक्षीय सहयोग राष्ट्रों को साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों से सुरक्षित रखने में सफलता की कुंजी है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार विमर्श करने के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ITBP के जवानों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। लेह में इंडो चाइना बॉर्डर पर 15,000 फीट पर रात के 10 बजे भीषण ठंड और तूफानी हवा के बीच में सीमा की सुरक्षा में तैनात ITBP के जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार भारत को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडो तर्कियन बॉर्डर पुलिस जो हमारी है, उसके जवानों का एक जोश देखकर ITBP का ये पूरे देश पर पता चलेगा कि हमारे देश के जवान कितनी मुस्तैदी के साथ, कितने जोश के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। और आपका एक जोश देखकर, मैं भी एक फौजी परिवार से आता हूं, मेरे दादा, उनके पिता, हम सब लोग फौज में थे और मैं भी अभी भी टेरिटोरियल आर्मी में 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और एक फौजी के रूप में भी आप सबके बीच में उपस्थित हुआ।